मिश्रा किचन में बन रहे हैं मलाई, इनकी तबीयत खराब लग रही है देखो। Hey guys, good morning, welcome back to another vlog. और एक गुड न्यूज है, पहले से मेरी आँख काफी ज्यादा इस फील सेफ कर रही है। क्या बोला तूने? सेफ फील कर रही है, क्या बोलता हूँ, सेफ फील कर रही है। छोटे छोटे संतरे हैं घर पे, खाने खा लो। एनीवेज वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि रात को बारिश होती है, सुबह पूरा मौसम ही खुल जाता है, बट इट्स फाइन, अच्छा है, ठीक है। बाप रे, मेरे सॉक्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, इतने सारे सॉक्स पड़े हैं ना, मैं दिखाऊँ क्या दिखाऊँ, बट चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। अभी जिम गया था, वहाँ पे जिम में सैनिटाइजेशन चल रहा था प्रॉपर, सो वापस आ गया, आई थॉट कि बाद में कर लेंगे, तो आई मैं भी शाम को जाऊँगा, नहीं तो फिर कल डायरेक्ट कल ही जाऊँगा। सो हैव अ सिप ऑफ कॉफ़ी, चाय, और सुबह सुबह मत पीना, बट लेट्स स्टार्ट द डे। वेरी नाइस, जिंदगी में पहली बार मेरा फ़ोन गिरा है, क्योंकि अभी लिए हुआ टाइम ही नहीं हुआ है। टाइम लैप्स बना रहा था अच्छा खासा, बेकार हो गया। सो आज मिश्रा किचन में बन रहे हैं मलाई कोफ्ते, जो कि बना रहे हैं पापा, और ऐसी चीज़ें पापा ही बनाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, मेरी बेइज्जती कर रहे हो? बेइज्जती कर रहे हो? तो ये इसमें मैदा से मैरिनेट किया है, हाँ, कॉर्नफ्लावर से मैरिनेट करके बनाया है। चलो, और अभी थोड़ी देर पहले पापा ने सैंडविच भी बना के खिलाया था हमें। तो आज मज़ा आ रहा है पापा के किचन में। हाँ, क्यों? क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है। ये चंगी वाली है, तबीयत खराब है। ये तो इंटरनेशनल शेफ हो रहे हैं पापा, लच्छा पराठा बना रहे हैं यार। क्या क्या करना है इसमें? पापा ये सब देखते रहते हैं यूट्यूब पे, फिर इन्वेंट करते हैं, कभी यूट्यूब पे तो कभी खुद की रेसिपी। एक पापा के नाम का भी चैनल खोलेंगे हम सोच रहे हैं, एक पापा के नाम का भी चैनल खोलेंगे, किस नाम से? मिश्रा जी की किचन। तो ग्रेवी यहाँ पे रेडी हो रखी है, क्या मलाई पनीर, वो मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, हाँ मलाई कोफ्ता। और यहाँ पे ये बॉल्स टाइप के हैं, जो कि मैदा के बने होंगे, ऑफ कोर्स मैदे के लिए मैरिनेट, तो हमें मैदा से, मतलब अंदर पनीर है, पनीर, आलू, हाँ, और वो कॉर्नफ्लावर। अच्छा, यहाँ पे सब डो बन के तैयार कर रहे हैं पापा। चलो गाइस, खाना आ चुका है, देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब भूख इनटू 100 वाली फीलिंग आ रखी है अभी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ईट दिस, खा के बताता हूँ कैसे। सो रहा है ना तो इसको की। डैम यार, ऐसा लग रहा कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा हूँ। पापा बहुत से खाना बनाते हैं, आप लोग को कैसे खिलाऊं मैं, खिला देंगे एक मिनट। तो फाइनली मेरा आधार कार्ड अपडेट हो चुका है। तो यहाँ हल्द्वानी में ये इस टाइप की जो गलियाँ हैं ना, जैसे साइड में नहर चल रही है और यहाँ पे रोड है, ऐसी दो तीन गलियाँ हैं, दो तीन एरियाज में हैं ऐसी गलियाँ थोड़ी बहुत, और इसी छोटी छोटी रोड्स पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होने लगता है कभी कभी। ये रोड भी एक तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर एक बहुत महान भैया जी आ रहे हैं सामने से अपनी वैन लेके। अब इतनी छोटी गली, चलो नगर निगम की है कोई बात नहीं, कूड़े वाली है, लेकिन फिर भी कूड़े वाली बहन है, और जो बंदे हैं वो पान की पिचकारियाँ मार रहे हैं रोड पे। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। देखो, एक ज्ञान की बात दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कभी भी, मतलब ऐसे जो सरिया वगैरह रखे हो ना, इनसे बहुत दूर चलना, और इनके पीछे जो रेड कलर का क्लॉथ रखा होता है ना, इसका मतलब ही होता है कि डेंजर का साइन है। सो प्लीज़ स्टे अवे अवे अवे। पहले वाली में डाल, अरे ये तो खोल मेरे अपने अपने हिसाब से खोल ना यार, ठंडे हाथ हैं, तो खींच ऊपर से, कुछ पढ़ने तो डाल के नहीं रहा है। शिट यार, बहुत ठंडी, ठीक है। तो
तो इस टाइम पे मैं फोन भी बहुत कम चला रहा हूँ, खाली वीडियो बनाने के लिए, एडिट करने के लिए यूज कर रहा हूँ, बाकी इंस्टा वगैरह भी नहीं चला रहा हूँ। पापा कह रहे ना मेरे असल में ये उंगली में, सॉरी मैं कल वो दिखा नहीं रहा वैसे, बट यहाँ पे हल्का सा कुछ डंबल है कुछ लग गया होगा। पापा से बोला मैंने कहा पापा मेरी उंगली में दर्द हो रहा क्या करूँ, पापा कह रहे इसमें विक्स लगा के दरवाजे के बीच में दे दो। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वहीं जाओ ना। क्यों जाओ वहाँ? अब फोन चला भागवत सुन रहे हैं ना। फोन चला भागवत। अंकल आया बैठ जाइए, बैठ जा। अरे भाई जाओ। तो ये हम लोग को भगा रही है यार, बताओ ऐसा कोई होता है? अरे ये लोग सुनने नहीं देते ना हमें। दुनिया की पहली माँ है जो अपने बच्चों को। हाँ, भागवत सुनने नहीं देते ना। फिलहाल ये बताओ तबीयत सही है आपकी? तबीयत तो ही नहीं ठीक है ना, मोबाइल चला रहे हैं थोड़ा सा। आंसू आ रहे हैं, वो दवाई डाल रखी है। सो रैंडमली कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे, मम्मी पापा अंकल सब लोग रजाई में बैठे हुए थे, तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जाओ जाके चाय बना के लाओ। नहीं मतलब ठीक है यार, चाय बनाना आती है, इसका मतलब ये नहीं कि कोया चाय कोया चाय कोया चाय। अरे अब जल्दी वो दिन आएगा जिस दिन मेरे ऊपर भी एक दिन का 1.5 करोड़ रुपये खर्च होगा। अरे यार इसीलिए मैं नहीं बनाता हूँ कुछ भी, जब हर बार हो जाता है मेरे साथ। यार जस्ट अभी अभी चाय पोर करते वक्त ना यार हाथ पे चाय गिर गई, एक बार हाथ धो लेता हूँ फिर से, एक बार धो चुका हूँ बट एक बार और से। तो चाय सर्व करते वक्त थोड़ा सा हाथ में यहाँ पे गिर गई थी, अभी हल्का सा मैंने पेस्ट उस पर लगाया और फिर वॉश कर लिया, इट्स फाइन। हाँ ठीक है अभी। एक छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी सी बैड न्यूज़ है, अंकल को जुकाम हुआ था, मम्मी को ट्रांसफ़र हो चुका, मम्मी को जुकाम हुआ था, मेरे को ट्रांसफ़र होने के चांसेस हो रहे हैं, अभी हुआ नहीं है बट हो सकता है, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी लो। अभी बस मैं बैठे बैठे यहाँ पे सो गया था, चाय वाय बनाई वहाँ पे गेस्ट को सर्व करती थी, और उसके बाद मैंने खुद की भी नहीं पी, मतलब वहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आके लेट गया था अपना, आई थॉट कि थोड़ी सी वीडियो एडिट करता हूँ, फिर मैंने वीडियो एडिट जब करना शुरू करी तो मैंने देखा वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो लास्ट की क्लिप में मैं एंड करने के लिए आ गया था वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून। अरे कुछ जल रहा है क्या? कुछ जल रहा है क्या? ये